इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में हैं और जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये अपरा काशी के नाम से मशहूर मेला रामनगरिया में हम मौजूद हैं और माँ गंगा के तट पर यहाँ पर हम आए हुए हैं। अरे सामने महंत श्री सतगिरी जी महाराज जी हैं जो पंचदश नाम जूना अखाड़ा समिति से हैं। महंत जी सबसे पहले आपका न्याय तक न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं महाराज सतगिरी समिति अध्यक्ष जूना अखाड़े से बहुत स्वागत करता हूँ। श्रीमान जी ये बताइए आप यहाँ पर इस मेला परिसर में कितने सालों से यहाँ पर आकर कल्पवास करते हैं? यहाँ से ऐसा है, सबसे पहले हमारे गुरु जी आए थे जिनका यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, उन्होंने यहाँ लांटन जला के यहाँ पर कल्पवास किया था और कई भी संत थोड़े पहले यहाँ पर दो चार राउटियाँ लगती थी। उसके बाद उन्हीं की परंपरा को लेके जब हमने जब संन्यास ले लिया, जब हम भी गुरुजी से जुड़ गए तो हम भी इस रामनगरिया को देखने लगे। हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन हो गए और वो जो गति जो है वो हमको। अच्छा तो आप कब से बाबा बने? हम 2000 में बाबा बने थे। उससे पहले क्या थे? उससे पहले स्कूल में पढ़ाते थे प्रामदीप विद्यालय में। देख लीजिए महंत जी एक शिक्षक थे, बहुत बड़ी बात है और आप आज आप महंत हैं। महंत जी ये बताइए जैसे कि आपके यहाँ सांसद हो, विधायक हो, चाहे पुलिस के बड़े प्रशासनिक अधिकारी हो, आपके दरबार में आकर हाजिरी लगाते हैं, क्या ऐसा खास है जो आपके प्रति विश्वास है लोगों का? ऐसा है, उनका दायित्व भी बनता है कि किसी जूना अखाड़ा एक रजिस्टर 1860 में हुआ है, जूना अखाड़ा बहुत बड़ी संस्था है, इसको प्रशासन की जिम्मेदारी रहती है कि जहाँ जहाँ भी जूना अखाड़ा है वहाँ की व्यवस्था प्रशासन स्वयं देखता है। इस बार क्या आपको अंतर नजर आ रहा है? आप यहाँ सालों से आ रहे हैं, पिछली बार जो मेला लगा था या और पिछली बार था और उस बार से और आज में क्या फर्क आप मेला में नजर आ रहा है? ऐसा है, फर्क क्या कि मेला हर वर्ष बढ़ता जा रहा है जी, क्योंकि हम जब इधर आए थे तो इधर कुछ नहीं लगता था, खाली पड़ा था। अब आज का पंडाल इधर पूरा गंगा जी के किनारे इधर दुर्वासा की तरफ पूरा भर गया है, क्योंकि हर आस्था की नगरी का आस्था की तरफ आदमी बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे जैसे एक बार गंगा स्नान के लिए आया तो दोबारा बोला मैं भी कल्पवासी करूंगा, तो ऐसे हमारा मेला बढ़ रहा है। और रही बात इस मेले की एक ही रौनक क्या है, क्योंकि इस एक जिला लेवल का मेला है, क्योंकि इसको प्रशासन जिला अधिकारी ही देखते हैं। अगर इसको उत्तर प्रदेश शासन की तरफ जैसे इलाहाबाद में शासन की तरफ से रुपये जाता है तो उसमें भव्यता ज़्यादा हो जाती है, अगर शासन की तरफ से इस मेले में रुपये आ जाए तो इस मेले की मैं चाहता हूं कि इलाहाबाद प्रयागराज तो है ही है मगर ये नंबर एक में अपरा काशी के नाम से जाना जाए। अभी यहां पर उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, उतनी व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं, जैसे यात्रियों के लिए ठहरने उड़ने के वो बन जाएं और टीम के तख्ते पड़ जाएं। आज कीचड़ से आप गुजर के आए होंगे, थोड़ी बारिश होने के कारण तो कुंभ की फैसिलिटी, जैसे कुंभ की फैसिलिटी दी जाती है इसी तरीका से अगर शासन थोड़ा रुपये लगा दे तो वही व्यवस्था यहाँ हो सकती है। जैसा कि आपके यहाँ भंडारा भी चलता रहता है, कब तक भंडारा चलता है और प्रतिदिन कितने जो है भक्त यहाँ पर आते हैं? ऐसा है हमारे यहाँ 1000 से ऊपर प्रतिदिन भोजन भक्त और प्रशासन के सब मिला के साधु संत 1000 प्रतिदिन ऊपर हो जाते हैं। प्रशासन यहाँ पर आपके यहाँ प्रसाद के रूप में लेने आता है, प्रतिदिन प्रशासन के भी कर्मचारी यहाँ पर आकर प्रसाद ग्रहण करता है? वो हमारा लगाव समझ लो, कुछ भी समझ लो कि प्रशासन भी ड्यूटी कर रहा है, हमारा भी दायित्व बढ़ रहा है कि 200 किलोमीटर दूर से आए हैं और कस्बा भी यहाँ से कोई ऐसा होटल भी नहीं है कि जिससे अपना गुजारा कर सके, तो साधु संतों के पास ही उनका तो नहीं, तो फिर इसका प्रशासन की तरफ से आपको कोई डोनेशन दिया जाता होगा? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई डोनेशन नहीं और उनका कुछ फैसिलिटी उनका। बहुत बड़ी बात जी बता रहे हैं महेंद्र जी कि यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला भी है वो भी यहाँ पर प्रतिदिन भोजन ग्रहण करने आता है और प्रशासन की तरफ से भोजन की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि प्रशासन की तरफ से जो यहाँ के प्रशासनिक अमला लगाया गया है, कहीं कहीं जो पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं यहाँ की सेवाएं देखने के लिए, वो भी यहीं पर खाना खाने आते हैं जबकि उनके लिए व्यवस्थाएं की गई होंगी, ये महंत जी की महानता है। महंत ये बताइए आप कहीं के सनातन धर्म को मानने वाले हैं आपके यहाँ? हाँ मैं सनातन धर्मी हूँ, जैसे अभी आपने चर्चा में सुना होगा कि हमारी रामचरित रामायण का अपमान हुआ है जी, क्या कहेंगे? हाँ उसके लिए क्योंकि उसका मैंने पुतला भी फूंका है और मैंने यहाँ उनसे अवगत कराया और मैं चाहता हूँ कि उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए, धर्मद्रोही, ये देशद्रोही धर्मद्रोही है, क्योंकि सनातन धर्म को ना मानने वाला वो हमारा धर्म विरोधी है। समाजवादी पार्टी के नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा है कि रामायण जो है तुलसी जाति ने अपने फायदे के लिए लिख दी थी और रामायण को खत्म कर देना चाहिए जी, क्योंकि रामायण रामचरितमानस में वर्णन तो लिखे गए 4 वर्ण है मगर किसी का एक तरफ से भेदभाव नहीं लिखा गया है हमारी रामचरित, लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो इस तरीका से एक
टिप्पणी करी है, इसको उनको घोर दंड दिया जाए, क्योंकि रामचरितमानस हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। रामचरितमानस का पाठ जिस घर में पूजन होता है उस घर में खुशहाली आती है, उसमें एक बार हनुमान जी का पहरा लगता है। यानी कि आपका मानना है कि हनुमान जी भी अभी सृष्टि में विचरण कर रहे हैं, क्योंकि सात लोग चिरजीव हैं, बलि, अस्तामा, हनुमान जी और विभीषण, कृपाचार्य, ये सात लोग तो आज भी जीवित हैं। इन दिनों कहीं न कहीं बागेश्वर धाम काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है, और उन पर जो है हमला किया जा रहा है कि किस तरीके से वो झूठा अफवाह फैला रहे हैं, उनके पास कोई शक्ति नहीं है और वो बता रहे हैं हनुमान जी के सेवक हैं, क्या कहेंगे उनको? ऐसा कुछ नहीं, शक्ति तो किसी कोई भी प्राप्त कर सकता है, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर सच्चे दिल से पत्थर को पूजो तो पत्थर भी फट जाता है। आज पूजा करके देखिए, भगवान पे अपने आस्था लगा के देखिए, भाव करके देखिए, जिस तरीके से वो पर्चा पहले ही बना देते हैं जो भी भक्त उनके दरबार में आता है, तो ये क्या, इसके लिए आप क्या कहेंगे? पूरा देश इस समय आपको अपनी स्क्रीन पर देख रहा है। के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर गया नहीं हूँ। और रही बात सनातन धर्म में, और रही सिद्धियाँ रिद्धियाँ, ये तो सब है ही हमारे सनातन धर्म में। कोई भी रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारे यहाँ जैसे बिलखंडा में जिला पीलीभीत में स्वामी जी हैं, तो सिर्फ नर और नारायण का अंतर है। सिर्फ बॉम्बे से बड़ी बड़ी दूर से आते हैं स्वामी जी, आप वहाँ भी देखेंगे आश्रम पे स्वामी जी, गंगा जी के घाट पे भी आपको स्नान करते हुए मिलेंगे। और स्वामी जी तो हमारे यहाँ सिर्फ इतना अंतर है कि नर और नारायण। नहीं, ये आप बात मानते हैं कि शक्तियों से इंसान के भविष्य और वर्तमान और मन की बात जानी जा सकती है? हाँ, शक्तियों में भक्ति, शक्तियों में बहुत बड़ी ताकत है, ऐसा नहीं है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो इस समय पूरे भारत में चर्चा का विषय है, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भी उनकी चर्चा कर रहे हैं, कुछ आलोचनाएं भी कर रहे हैं, और आप भी एक संत हैं और एक संत ही संत की बात को समझ सकता है, तो ये क्या बात, लाखों की संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी के भक्त आते हैं? हाँ, तो हनुमान कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको पहले ही अवगत करा रहा हूँ कि साधु संत जा और कोई भक्त ऐसा नहीं कि संत ही तपस्या कर सके, भक्त भी तपस्या कर सकता है और वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है और रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। यहाँ मेला में जो कल्पवासी आए हैं और भी दूरस्थ इलाकों से, कहीं न कहीं अपरा काशी के नाम से ये जाना जाता है, प्रयागराज के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला लगता है, तो यहाँ जो भक्त आते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वो ये भक्तों को संदेश जाते हैं गंगा मैया में आरती पूजन कल्पवास करें, क्योंकि 12 महीना में माह का महीना एक ऐसा शुभ आता है, इसमें दान पुण्य भजन कीर्तन रामायण ये सब अनुष्ठान होते रहते हैं, जिससे हमारे कर्मों को सद्मार्ग पे चलने और हमारे परिवार में खुशहाली आए और हमारे भक्तों का कल्याण हो, इस तरीके से यहाँ कल्पवास करते हैं भक्त। आप यहाँ पर एक महीने तक कल्पवास करते हैं? हमको तो 1.5 महीने से अधिक हो जाता है, 2 महीने लगभग। प्रशासन की तरफ से संतुष्ट है, जो प्रशासन ने व्यवस्थाएं आपके यहाँ दे रखी है, या जो भी और कुछ हो कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मैं प्रशासन की तरफ से क्या, क्योंकि जब शासन कोई वहाँ से व्यवस्था ही नहीं कर रहा है, प्रशासन बस इतनी व्यवस्था कर रहा है, लाइट दे ही रहा है, पानी व्यवस्था कर रहा है, शौचालय व्यवस्था कर रहा है, साफ सफाई की व्यवस्था कर रहा है, बाकी जो 3 समितियाँ हैं, 3 समितियों की व्यवस्था, जैसे सोफा सेट हैं और कुर्सियां हैं और जो मैटे उटे दी जाती है, 3 सेट बनाए जाते हैं, वो व्यवस्था होती है। आप योगी सेना में गौ रक्षा प्रकोष्ठ में भी कुछ पद पर हैं? हाँ, मैं राष्ट्रीय योगी सेना का गौ रक्षा प्रकोष्ठ पीलीभीत से जिला अध्यक्ष हूँ, जिसके संरक्षक राजदास सम्मान गढ़ी अयोध्या के हैं। तो गायों के लिए अब तक आपने क्या योगदान दिया? गायों के लिए हर बार गायों के लिए ही लड़ता रहता हूँ, गायों की सेवा करता रहता हूँ, यहाँ के बाद फिर गाय की ही सेवा करता हूँ। कहीं कहीं जो आम लोग हैं आवारा जानवरों से बहुत परेशान है, इसका क्या सुझाव है, कैसे इनसे मुक्ति मिल सकती है? तो एक ही उपाय है कि गौशाला बनाने में जितना रुपए खर्च किया जा रहा है ये व्यर्थ में जा रहा है, कि आधा रुपए सरकार तो ऊपर से रुपए पूरा भेजती है, लेकिन नीचे के हमारे अधिकारी उसको मिलवाट के खा लेते हैं गौ माता का पैसा। तो हमारा ये सुझाव है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जितनी गौ माता और ये हैं इनको जंगल में भेज दिया जाए और जंगल की बढ़िया करके बैरिंग कटिंग की जाए, क्योंकि जब गाय माता का झुंड होगा तो शेर संदूक कुछ नहीं करता है। अब से जंगल में शेर भी रहते हैं, चीते भी रहते हैं, बंदर भी रहते हैं, उनको क्यों नहीं खा जाते हैं शेर? तो गौ माता जितनी है, जितने नंदी हैं, इनको जंगल में छुड़वा दिया जाए, जो हमारे पीलीभीत में टाइगर रिजर्व के नाम से घोषित है, तो उसमें बहुत जगह है, क्योंकि वो उत्तराखंड से मिला जुला जंगल है, और उसमें बेरिंग कटिंग बढ़िया करके तार कर दी जाए तो सब इससे छुटकारा मिल जाए। पीलीभीत की एक बात नहीं है ये, हमारा प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ जंगल हैं
उनको वायरिंग कटिंग करा दी जाए तारों से सही करके और उसमें पानी की व्यवस्था सरोवर करो। ये सुझाव है, कहीं कहीं प्रशासन भी इस समय देख रहा होगा। इस समय हम महंत सत्यगिरी महाराज जी से बात कर रहे थे और उन्होंने चाहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हो चाहे रामायण के ऊपर जो आपत्तिजनक विवादित बयान दिए गए इनके संबंध में बताया, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में बताया और अपने सुझाव दिए। और जैसा कि आपने सुना और भी हम इस मेला परिसर में भ्रमण करके कई आपको रोचक चीजें दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।